ओके एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन सेल। नहीं, कंसंट्रेशन सेल का खासियत क्या है भाई? कि कंसंट्रेशन सेल का इनोड सेल क्या रहेगा? जीरो। नाम से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है कि कंसंट्रेशन सेल मोर और लेस टोटली डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन कैथोड एंड एनोड कंपार्टमेंट, राइट? तो ई नोट सेल जीरो होगा, तो ई नोट सेल मोटा मोटी जीरो कब होगा? 99% केस में वेन दोनों इलेक्ट्रोड सेम टाइप ऑफ मटेरियल का बना रहेगा, लाइक जिंक एंड उसका आयन और जिंक एंड उसका आयन। तो डिफरेंस क्या रहेगा सर? डिफरेंस रहेगा आयन का, इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन का, करेक्ट? तो इस अगर यहाँ पे देखते हैं, एक एग्जाम्पल से इसको समझा जाए। सब लोग सुन पा रहे हैं एवरीवन? एक कहां का कॉन्सेंट्रेशन है? एनोडिक कंपार्टमेंट का। और यहां पे यहां से यहां गए हैं तो ऑक्सीडेशन हुआ है, करेक्ट? और ये है कैथोडिक कंपार्टमेंट का, यहां से यहां गए हैं तो रिडक्शन हुआ है। तो OHR अगर लिखते हैं तो M कन्वर्ट इन टू व्हाट? Mn प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है। और RHR लिखते हैं ये मेरा इक्वेशन सेकंड है। तो फर्स्ट और सेकंड को अगर ऐड करते हैं, एडिंग फर्स्ट प्लस सेकंड, ये नेट सेल रिएक्शन मिल जाएगा, करेक्ट है ना? और ए आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से कुछ सीखिए। ए और ए भी आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। और ए और भी कैंसिल, तो क्या लिखे हैं? जीरो इन कन्वर्टेड टू जीरो, कुछ नहीं बचा ना भाई। यहाँ पे ए और ए कैंसिल नहीं करेंगे, यस ड्यू टू डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, ये सीखने को मिल रहा है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं जो कॉमन रहता है दोनों तरफ, राइट? बट यहाँ पे कैंसिल नहीं करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वजह ड्यू टू डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट ना? यही सिखाने की कोशिश कर रहा था एग्जाम्पल लेकर। समझ में आ गया ऑनलाइन के बच्चे? यहाँ का ए और यहाँ का ए, सब लोग टाइम से आया कीजिए भाई। एकदम टाइम से आइएगा, जानबूझ के लेट क्यों करना है? अच्छा, श्यामला करने लेट हो गया, ठीक है। चलिए आप भी टाइम से आइए। और ए डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन है, इसलिए इसको हम लोग कैंसिल आउट, इस बात का ख्याल रखेंगे। अब यहाँ पे एक और बात सुनिए, मान लेते हैं कि समटाइम्स अगर गैसीय सब्सटेंस भी रहता तो अगर उसका प्रेशर सेम रहेगा तो कैंसिल करेंगे, और अगर प्रेशर सेम नहीं रहेगा तो कैंसिल नहीं करेंगे, करेक्ट है ना? तो यहाँ पे एम एन प्लस कन्वर्टेड टू व्हाट? एम एन प्लस। बट यहाँ एक कहाँ किस कंपार्टमेंट का है बता सकते हैं? कैथोड का है। कहाँ का है? यही वाला है ना यहाँ पे, कहाँ का है ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। एक है कैथोडिक, कैथोड का, करेक्ट?
अरे कहाँ का है? एनोड का है। इसका मतलब इसका रिएक्शन क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो रिएक्शन दिस बाई दिस आया ना, एम दिस एनोड करेक्ट है ना। इसका मतलब है कि मैं इसको क्या सी वन बाई सी टू लिख सकता हूं? यहां तक समझ में आ गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आएगा नीट में, एफर्टलेस मार्क्स, ठीक है। ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303। मैं इसको लिखना ज़्यादा पसंद करता हूँ, वजह रहता है कि मुझे फार्मूला याद रहे। लॉग सी वन बाई सी टू लिख दिया स्टूडेंट, राइट। ए टर्म क्या हो गया? जीरो। ये सबके जरूर रहेगा क्या? दिस द खासियत ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल, कॉन्सेंट्रेशन सेल माइनस 2.303 आर टी वाई एन एफ। और आप लोग मुझे गाइड एफ शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा, बट यहाँ देखिए आई विल सजेस्ट यू कि शॉर्ट नोट्स में एक पूरा यहाँ से लेकर चलिएगा एग्जाम्पल के साथ, ताकि ज़्यादा समझ में आए कि हम लोग कैसे डिराइव किए हैं और कैंसिल क्यों नहीं किए हैं, करेक्ट है ना। यहाँ से यहाँ तक कॉन्सेंट्रेशन सेल का बस इतना ही शॉर्ट नोट्स बनेगा, बट यहाँ से यहाँ तक बनेगा, इसमें जो लिख रहे हैं वो भी बनेगा। अब यहाँ पे किसी भी सेल को फिजिबल होने के लिए, वर्क करने के लिए स्पॉन्टेनियस होना पड़ेगा, और स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या चाहिए? ई सेल पॉजिटिव। ई सेल क्या चाहिए? ई सेल पॉजिटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा? तो सर ए, तो ए क्या है? पॉजिटिव। आगे में क्या है? निगेटिव। तो लॉग से बाहर का टर्म निगेटिव हो गया, तो अगर लॉग निगेटिव हो जाए तो निगेटिव निगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, मेरा काम बन जाएगा। और लॉग का एक खासियत है, एक प्रॉपर्टी है कि अगर ए का वैल्यू ग्रेटर देन वन हो, बेस अगर ग्रेटर देन वन हो, तो एक्स का वैल्यू वन से बड़ा रहेगा तो पॉजिटिव होता है, और वन से छोटा रहेगा तो निगेटिव होता है। इसका मतलब है कि अगर ए वैल्यू सी वन बाई सी टू वैल्यू लेस देन वन हो जाए, तो ए वाला लॉग वाला टर्म के निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव निगेटिव बिकम्स, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, करेक्ट। इसका मतलब है कि फॉर ई सेल पॉजिटिव, इज पॉजिटिव सी वन बाई सी टू लेस देन वन, सी वन बाई सी टू क्या होगा? लेस देन वन। डायरेक्ट लिखते हैं, समझ में आ जाएगा। इसका मतलब सी वन शुड बी लेस देन सी टू, यही ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, करेक्ट। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन सेल को इन टर्म, कॉन्सेंट्रेशन सेल में कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में कहाँ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए और कहाँ का कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए स्पॉन्टेनियसली बिहेव करने के लिए, सेल पॉजिटिव होने के लिए। कैथोड का ज़्यादा होना चाहिए और एनोड का, क्योंकि ये कहाँ का कॉन्सेंट्रेशन है? इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड शुड बी लेस देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड। यहाँ तक आपके शॉर्ट नोट्स में रहेगा, ठीक है। चलिए
एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए। ऑनलाइन के स्टूडेंट एक हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 1 और जैसे मैं सिस्टमेटिक सॉल्व करता हूँ ना रिएक्शन को लिखकर, वैसे लिखा कीजिएगा सॉल्यूशन में। ऐसे लिखने से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा क्या कैंसिल करना है क्या नहीं करना है, और कैंसिल करेंगे तो क्यों करेंगे और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे। और जिनसे 1 का आंसर आ जाएगा वो 2 बनाएंगे, जिनसे 2 का आंसर आ जाएगा वो 3 बनाएंगे, ठीक है। यह है एक्सरसाइज 6 क्लास असाइनमेंट। Zn2+ 0.01 m, Zn2+ 0.1 m, Zn। तो डायरेक्टली मैं लिख दूँ ई सेल, आप लोग तो बैलेंस कर लीजिएगा, ई नोट सेल माइनस क्या 0.0591 लिख दें बाई 2, दो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा होगा, लॉग 0.01 डिवाइड बाय 0.1 लिख दें, 0.0591 डिवाइड बाई 2 log 10^-1, यह बचेगा ना, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, log 10^1 तो कितना हो जाएगा 0.0591/2। हाउ मच एवरी वन, 0.0295 वोल्ट। तो इतना अगर आसान क्वेश्चन आता है तो बन जाएगा, करेक्ट है ना। 2 का ए देखिए, व्हाट इज द सेल पोटेंशियल ऑफ ए सेल कंटेनिंग 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, द निगेटिव 1 इज कॉन्टैक्ट विद 10^-8 m एंड पॉजिटिव 1 इज कॉन्टैक्ट विद 0.025 m। निगेटिव, यहाँ देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, निगेटिव 1 मतलब, निगेटिव मतलब यहाँ पे एनोड, और पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में है ना, तो यहाँ पे व्हाट द सेल पोटेंशियल, इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बात कर रहे हैं, राइट। तो उसमें निगेटिव प्लेट होता है एनोड, और पॉजिटिव प्लेट क्या होता है कैथोड, बट फिर भी फॉर बेटर प्रैक्टिस हम लोग को ऐसे लिखना चाहिए।
अब इसमें कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा कि सर ये तो गैस है, आयन है, गैस का प्रेशर नहीं दिया हुआ है। गैस का अगर प्रेशर नहीं दिया रहेगा तो मेरे तरफ से 180 ले लीजिएगा, ये कन्वेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे H2 180 H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है ना 10 to the power, और यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगेगा ही लगेगा। कॉन्सेंट्रेशन सेल में विदाउट सॉल्ट ब्रिज काम चलेगा नहीं, तो पूरा मिक्स हो गया, कॉमन कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, डेड हो जाएगा सेल, राइट। इसलिए कॉन्सेंट्रेशन सेल में इसका रिक्वायरमेंट होगा ही होगा, करेक्ट है ना। H प्लस कितना 0.025 कन्वर्टेड इनटू व्हाट H2 180 ऐसे लिखने से कुछ प्रैक्टिस तो हो गया कि आपको सेल का कंस्ट्रक्शन करने आता है, राइट। उसके बाद हम लोग रिएक्शन लिखेंगे OHR H2 कन्वर्टेड इनटू व्हाट 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड RHR में H प्लस कन्वर्टेड इनटू व्हाट हाफ H2 दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड करेंगे तो किसको कैंसिल करेंगे, किसको कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेशर सेम लिए, राइट। बट क्या, हाँ हेलो, इसका रिडक्शन पोटेंशियल बताइए तो, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कुछ मान लीजिए, कुछ तो होगा, ये एनोड है तो रिडक्शन पोटेंशियल Zn2+ से Zn, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या लिखिएगा, दोनों का रिडक्शन कैथोड हो या एनोड हो उसका रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंट, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा सेम रहेगा, इसे जीरो हो गया क्योंकि यही तो करते थे। इनोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इनोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, अच्छा इलेक्ट्रोड ही सेम टाइप का है तो उसका स्टैंडर्ड तो सेम ही रहेगा ना रिडक्शन पोटेंशियल, इसलिए जीरो कर दिया। यही तो मैं सिखा रहा था थ्योरी में, थ्योरी में तो मैं आप लोग को यही सिखा रहा था ना। अभी अब यहाँ पे सबसे पहले बताइए कि H2 और H2 क्यों कैंसिल हो गया, ऐसे क्यों नहीं कैंसिल किए, ये ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। तो सर यस कॉन्सेंट्रेशन अलग है लेकिन प्रेशर डिफरेंट है, लेकिन समटाइम्स प्रेशर डिफरेंट रहेगा कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा, तब किसको कैंसिल कीजिएगा, ऐसा भी रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा प्रेशर डिफरेंट रहेगा तो कॉन्सेंट्रेशन को कैंसिल करेंगे, करेक्ट है ना। 2H प्लस कन्वर्टेड इनटू 2H प्लस, बट यह कहाँ का H प्लस, कैथोड का, ये कहाँ का H प्लस, एनोड का। इसका रिएक्शन क्वेश्चन क्या होगा भाई, H प्लस का स्क्वायर बाई H प्लस का स्क्वायर, बट एनोड का एक क्या रहेगा, कैथोड का, करेक्ट है ना। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया है, लिख लीजिए। -10 to the power -8 और डिवाइडेड बाई 0. बोलिए 0.25 ना, का होल स्क्वायर कर दें, क्लास का असाइनमेंट पर आपका क्वेश्चन बैंक का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्लास असाइनमेंट बहुत बढ़िया से कीजिए मन लगाकर। द क्लास में इतना प्रैक्टिस हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक आराम से लग जाए। नहीं नहीं ऐसे मत कीजिएगा, जिसके लिए जो बोला गया है निगेटिव मतलब एनोड, हो सकता है कि समटाइम्स ई सेल निकालने के लिए दिया हो या स्पॉन्टेनिटी पूछा हो,
तो जानबूझ के आप नॉन स्पॉन्टेनियस का स्पॉन्टेनियस बोल दीजिएगा। हाँ, अगर आप पे छोड़ दिया गया कि कंस्ट्रक्ट द सेल फॉर फिजिबल सेल मतलब स्पॉन्टेनियस, तब उस केस में जो आप बोल रहे हो वो करेक्ट हो जाएगा। जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा उसको कैथोड पकड़ लेंगे कॉन्सेंट्रेशन सेल में, करेक्ट। अब ई सेल इक्वल टू लिखेंगे ना ई नॉट सेल माइनस 0.05 इतना 2 लॉग क्या इस 2 को यहाँ ले आए, करेक्ट है। दो और दो आपस में क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या रहेगा, 0 होगा। बोलिए ये कितना, कैलकुलेशन बहुत तगड़ा होना पड़ेगा भाई, कैलकुलेशन करने में पेन स्लो हो जाता है, सही है राइट। अगर सही है तो हाँ बोलिएगा, नहीं समझे तो पूछिए। मैं डायरेक्टली इतना के लिए ए लिख दिया, लॉग ए बी इक्वल लॉग ए माइनस लॉग ए बी इक्वल लॉग ए प्लस लॉग बी। तो लॉग 4 के लिए 2 लॉग 2 लिख सकते हैं और लॉग प्लस लॉग 10 और माइनस 7 के लिए माइनस 7 लिख दें, ओके। क्या भाई ये कैलकुलेट कर लेंगे कितना, थोड़ा अगर अप्रोक्सीमेशन में चलना चाहते हैं तो 0.3 लेकर भी काम कर सकते हैं। तो कितना 0.6 लिख दें इसके लिए, 0.6 माइनस 7 कितना हो जाएगा भाई, माइनस 6.4 और माइनस माइनस बिकम्स प्लस 0.0591। कैलकुलेशन खुद से बढ़िया से और फास्ट करके आंसर पाइएगा तो बहुत खुशी होगी आप लोग को, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। इतना से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके देखिए तो आंसर आता है नहीं आया। मल्टीप्लाई कीजिए, आ गया है। तो देखिए क्वेश्चन 2 का ए है, इसका 2 का बी भी है लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, वो मैं यहाँ पर लिखूँगा। लेकिन अभी आप क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए, 3 से कुछ सीखिएगा। ये तो हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 3, डू इट फास्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या खास बात है, यहाँ से क्या सीख रहे हैं, अब प्रॉपर सीक्वेंस में ऑल्सो राइट द सेल रिएक्शन।
क्वेश्चन नंबर थर्ड में सॉल्ट ब्रिज नहीं है, मतलब H प्लस दोनों के लिए सेम रहेगा, करेक्ट है ना, बट प्रेशर डिफरेंट कर दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन बनाते हुए हम लोग सीखते हैं स्टूडेंट, हो सकता है कि माइंड में मिसकॉन्सेप्शन ये भी बढ़ जाता है कि अच्छा कॉन्सेंट्रेशन सेल में सब कुछ कैथोड का ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ देखिएगा कि प्रेशर एनोड का ज़्यादा रहेगा तब पॉजिटिव आएगा, वजह ओ एच आर, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% डिसोसिएट करेगा, तो जो कॉन्सेंट्रेशन एच सी एल का रहेगा वही कॉन्सेंट्रेशन एच प्लस और सी एल माइनस का रहेगा, बट यहाँ पे एच सी एल का कॉन्सेंट्रेशन देने का रिक्वायरमेंट नहीं है, लास्ट में तो कैंसिल होना है। एस टू कन्वर्ट इनटू व्हाट, टू एच प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन एंड एच प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू व्हाट, हाफ एस टू, इसमें दो से मल्टीप्लाई करेंगे और जब ऐड करेंगे तो अब इसको कैंसिल कीजिए बट ए कैंसिल नहीं होगा, एस टू गैस कन्वर्ट इनटू व्हाट, एस टू गैस, ये कहाँ का एस टू गैस, एनोड का, ये कहाँ का कैथोड का, तो अब यहाँ पर रिएक्शन क्वेश्चन क्या होगा, प्रेशर ऑफ एस टू डिवाइड बाई प्रेशर ऑफ एस टू, बट ये कहाँ का प्रेशर कैथोड का, ये कहाँ का एनोड का, कितना वैल्यू हो जाएगा 1/10, करेक्ट है ना। इसलिए कॉन्सेंट्रेशन कैथोड का ज़्यादा होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट का, बट प्रेशर अगर रहेगा तो अगर गैस गैस एनिट्स आयन का है तो एनोड का ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि मुझे रिएक्शन क्वेश्चन को लेस देन वन बना देना है, तभी वो लॉग वाला टर्म क्या निगेटिव रहेगा और निगेटिव निगेटिव क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591/2 लॉग डायरेक्टली 1/10 कर दें, और लॉग 1/10 होता है माइनस वन, कितना होता है माइनस वन बिकम्स 0.0591/2 0.0295। इन्हें हाफ मिनट में बनने वाला क्वेश्चन है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है तो हाफ मिनट काफ़ी है इसके लिए। इसलिए पूरा दुनिया सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन पकड़ लेंगे 12 क्वेश्चन, अगर फिजिकल केमिस्ट्री से आता है 10 क्वेश्चन तो दो क्वेश्चन मान के चलिए या एक क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से रहेगा, बाकी तो दूसरे दूसरे चैप्टर से रहेगा, तो वहाँ से क्वेश्चन लग जाएगा। चलिए स्टूडेंट इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए, मैं पढ़िए क्वेश्चन फिर मैं समझा रहा हूं। अब यहां तक था नीट का लेवल, ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा टफ स्टार्ट हो रहा है, लेकिन टफ नहीं है, दो चैप्टर का मिक्सिंग है, इसको हटाएं। थोड़ा सा यहाँ पे मैं थ्योरी ब्रीफ करूँगा, ठीक है स्टूडेंट, एक ये सब थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ देखिए आयनिक इक्विलिब्रियम में जो यहाँ पे मैं डील करने जा रहा हूँ, इसका मतलब अगर आयनिक का कॉन्सेप्ट क्लियर रहता तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और एक और क्वेश्चन में जो लेने वाला हूँ, तो सबसे पहले एक वीक एसिड का कॉन्सेप्ट आपको देना चाह रहा हूँ, वीक एसिड, और
बिक एसिड का एक कॉन्स्टेंट होता है जिसको बोलते हैं डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, करेक्ट। ये थोड़ा थ्योरी पढ़ाते हैं, यहां पे थोड़ा लगेगा, ठीक है। टी इक्वल जीरो पे कॉन्सेंट्रेशन सी है और मान लेते हैं कि उसमें एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है और इक्विलिब्रियम पॉइंट तक आने के लिए यहाँ से x चला गया तो कितना एच ए का कितना डिसोसिएट हुआ, x, यहाँ भी कितना बनेगा, करेक्ट है ना। और यहाँ पे एक टर्म होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ऐसे तो डिसोसिएशन बोलते हैं लेकिन वो डिसोसिएट होकर आयन में कन्वर्ट होता था उसी का नाम डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हो जाता है। और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता है यस और डिवाइड बाय टेकन, तो कॉन्सेंट्रेशन है तो यहाँ पे एक्स वाई सी कर दीजिएगा तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी अल्फा। तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं सी माइनस सी अल्फा, ये क्या हो जाएगा सी अल्फा सी अल्फा। तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के लिए इतना तो हम लोग जानते ही हैं, ऐसे लिखा जाता है, करेक्ट है एवरीवन। ए होता है एक लॉ पढ़े होंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, वहां से हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसका जितना कोएफिशिएंट है वही पावर चला जाता है, ठीक है। और ये अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट का बात कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन भी इक्विलिब्रियम पॉइंट का पकड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो के ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सी अल्फा और डिवाइड बाई सी माइनस सी अल्फा, तो हो गया सी अल्फा स्क्वायर बाई वन माइनस अल्फा। अगर हम लोग अल्फा निकालेंगे तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, किसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब निकल जाएगा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर अल्फा एक क्वाड्रेटिक है तो अल्फा का तो दो वैल्यू आएगा, तो दो में से एक निगेटिव रहेगा एक पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव वाला को माइनस करेंगे पहला बात। और अगर दोनों पॉजिटिव आ गया तो दो अगर पॉजिटिव आएगा तो उसमें से एक का वैल्यू वन से बड़ा रहेगा और एक का वैल्यू वन से छोटा रहेगा और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कभी भी वन से बड़ा नहीं होगा। इसलिए इस बात से कन्फ्यूज नहीं करना कि दो वैल्यू आएगा तो दोनों में से कौन सा लेंगे, ऑटोमेटिक दोनों में से एक ही लेंगे। और वहाँ पे अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो पॉजिटिव वाला पकड़ेंगे और उसका पॉजिटिव वाला डैम से वन से छोटा रहेगा, और अगर दोनों पॉजिटिव तो एक उसमें से वन से बड़ा रहेगा एक वन से छोटा रहेगा, करेक्ट है ना। एनी वे बट इस कंडीशन के लिए अगर के का वैल्यू 10^-5 यहाँ पे सिंगल डिजिट, यहाँ पे दो भी हो सकता है, यहाँ पे क्या कौन सा डिजिट, सिंगल डिजिट राइट, और लाइक 2 भी रहेगा 3 भी रहेगा 1.5 भी रह सकता है, मतलब वैल्यू लेस देन 10, यहाँ का वैल्यू लेस देन 10 इंटू 10^-5 रहता है, तो उस केस में इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें या 1-α का वैल्यू ऑलमोस्ट 1 पकड़ लें, सेम ही आता है, ठीक है, एक कन्वेंशन है। सॉल्व कीजिएगा और इसको मान के सॉल्व कीजिएगा तो ऑलमोस्ट बहुत थोड़ा का फर्क रहेगा। इसलिए जब हम मैं आयनिक पढ़ाते रहता हूँ तो कैटेगराइज कर देता हूँ, के का दो कैटेगरी, एक के का वैल्यू सिंगल डिजिट वैल्यू इंटू 10^-5 रहता है तो एक लेंगे, अगर बड़ा रहेगा तो फिर सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक, बट आप लोग के केस में 90% केस में यही आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस के लिए क्या 1-α टेकन एज वन ले ले, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर, देन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट के वाई, यहां तक लिख लीजिए। एक किसी क्वेश्चन में मुझे लगेगा, ठीक है ना, ये समझ में आया कि ए वैल्यू 1 हो गया तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू के वाई सी, अल्फा इक्वल टू रूट ओवर के वाई सी। तो एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कितना होगा, तो सर एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे सी अल्फा होगा, तो सी अल्फा और सी अल्फा कितना के वाई सी, तो क्या डायरेक्टली रूट ओवर के वाई सी कर के इंटू सी कर दें, लेकिन डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे लिखने के लिए बोलता तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता क्यों लिखेंगे, अब तो कॉन्फिडेंस है कि लिखेंगे, बट आज के बाद बीक एसिड के लिए एच प्लस एट इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं मेरे तरफ से रूट ओवर के इंटू सी, बट उसके लिए इस कंडीशन के साथ, करेक्ट।
करेक्ट है ना। ये दोबारा लेंगे, इसका सही टाइम है, ये सही प्लस नहीं है, एक क्वेश्चन बनाना मुझे सॉल्व करना है, इसलिए मैं पढ़ाया, बट इसको आयनिक पे दोबारा लेकर आएंगे, ठीक है। आयनिक पे बहुत सारा क्वेश्चन इस पर करेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? चलिए, ऑनलाइन का स्टूडेंट ठीक है, इसको हटाया जाए। इसको असाइनमेंट में है, जिसके पास हार्ड कॉपी लिख लीजिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक क्वेश्चन बिल्कुल जेई मेन को डिजर्व करता है, इवन के एडवांस का ऑब्जेक्टिव को डिजर्व करता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला गया है? टू वीक एसिड HX एंड HY ईच विथ सेम कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट, हैविंग K वैल्यू। ये किसका है? इसका ना।
एक इसका है, इसका है, आर प्लेस इन कॉन्टेक्ट विद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दोनों तरफ कम, दोनों कंपार्टमेंट दोनों का प्रेशर सेम रखा गया, आर इंटरकनेक्टेड थ्रू सॉल्ट ब्रिज, फाइंड द ई एम एफ ऑफ द सेल, करेक्ट। तो एक्चुअली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या चाहिए, एस टू एंड एच प्लस, एस टू एंड व्हाट, एच प्लस, एच प्लस का कोई, एच प्लस रेडीमेड थोड़े मिलता है, एच प्लस का कोई सोर्स रहता है ना भाई, एच सी एल समथिंग लाइक, बट यहाँ पे एच प्लस का सोर्स क्या है, एच एक्स एंड एच वाई। तो क्या हम लोग यहाँ पे एच एक्स से जो एच प्लस मिलेगा, एच प्लस ड्यू टू एच एक्स, वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि एच एक्स इंटू सी, हाँ ना, कुछ बोलते रहिएगा, फॉर्मूला लगा सकते हैं अभी जो पढ़ाए हैं, कितना 10 टू द माइनस 5 इंटू सी, और एच प्लस एच वाई से जो मिलेगा उसके लिए क्या लिखेंगे भाई, रागनी मिश्रा यहां पे आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, 10 टू द माइनस 7 इंटू सी, प्रेशर सेम है, प्रेशर सेम है, कॉन्सेंट्रेशन तो डिफरेंट है, एच एक्स एच वाई का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, नॉट एच प्लस का, समझे नहीं समझे बात को, इसका इसका सेम कॉन्सेंट्रेशन बोला गया था, एच प्लस का सेम बोला गया था या अनडिसोसिएटेड का सेम बोला गया था, एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ये है भाई, करेक्ट, किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, इसको कैथोड बनाएंगे, एच एक्स को कहाँ पर रखेंगे, कैथोड, ये हम लोग के हाथ में छोड़ दिया गया था, फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल, राइट, और स्पॉन्टेनियस सेल, तो जानबूझ के आप ऐसा बैटरी बनाएंगे जिसका नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, हाँ क्या बोले, हाँ तो एक्चुअल में हम लोग इसको कहाँ रखेंगे, कैथोड में, इसको कहाँ रखेंगे, एनोड में रखेंगे, करेक्ट है ना, तो देखिए तोड़ के समझाया तो समझ में आ गया, अदरवाइज डायरेक्टली अगर सब कुछ नहीं बोलते तो ये क्वेश्चन नहीं लगता कि आयनिक और इलेक्ट्रोकेमिकल दोनों का कंप्लीट कम्बो है, बढ़िया क्वेश्चन है, राइट, थोड़ा सा आयनिक का कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा के लिए भी तो जानना पड़ेगा कैसा होता है, अरे बहुत स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसको हम लोग रट जाएंगे बाद में, ठीक है, तो इसका मतलब अब ये बात तो डिसाइड हो गया कि कहाँ पे किसको रखना है, अब सेल का डायग्राम एक बार बना लिया जाए, पी टी एस टू वन ए टी एम, यहाँ पे रखेंगे एच वाई, हाँ या ना, और एच वाई क्या 100% देगा या एक रुपया मेंटेन करके एच प्लस देगा, मुझे इससे मतलब था, इससे मतलब नहीं था, फिर एच एक्स कन्वर्टेड टू व्हाट, एस टू वन ए टी एम एच प्लस प्लस एक्स माइनस, ये डायग्राम, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट हो, जो आयन दे रहा हो, वो वीक हो और इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा हो अंदर में, राइट, क्या बोले, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है ना, तो आयन के टर्म में जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा उसको कैथोड में की तरफ रखेंगे, गैस के टर्म में प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो एनोड की तरफ रखेंगे, ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 से समझ में आ गया है। अब चलिए ओ एच आर एच टू कन्वर्टेड टू एच प्लस, बट ए एच प्लस कहाँ से मिलेगा, एच प्लस किसका एच प्लस है, एच एक्स का एच प्लस है, जो एच एक्स दे रहा है, राइट, अब टू एच प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन एंड आर एच आर
डायरेक्टली 2H प्लस करते हैं स्टूडेंट, दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बात तो एक ही है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू व्हाट, S2 ऐड करेंगे तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा, सेम प्रेशर है बट ए कैंसिल, 2H प्लस कन्वर्टेड इनटू व्हाट, 2H प्लस, एक कहाँ का कैथोड का, एक कहाँ का एनोड का, यहाँ तक समझ में आ गया। H प्लस बाई H प्लस का स्क्वायर कर दें हो जाएगा। चलिए इसके बदले क्या लिखेंगे, बोलिए, टेन टू द पावर, इसके बदले क्या लिखेंगे, कट कुट कितना हो जाएगा देखिए, तो फास्टली बोलते रहिएगा, सही है या गलत है, ठीक है ना भाई, स्क्वायर करेंगे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10^-2 बचेगा, सही है ना, डायरेक्ट पुट कर दिया, माइनस माइनस बिकम प्लस और 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये तो क्या रहेगा 0, तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.05 - 1 वोल्ट, दिस इज आंसर। तो ये अभी तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन था, इस पर 3 स्टार लगाइए। इसको हटाया जाए, अब यहां देखिएगा स्टूडेंट, थोड़ा सा यहां पे टर्म यूज हो गया है, अरे यहाँ पे लगेगा ही लगेगा आगे के चैप्टर में भी। आयनिक क्वे में एक और चैप्टर पढ़ते हैं ना, आप लोग नाम सुने होंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, राइट, तो जनरली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मोस्टली इनसॉल्युबल ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल या पार्शियल सॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस के लिए होता है, वो पार्शियल सॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस सॉल्ट भी हो सकता है और समटाइम्स बेस भी रहता है, कोई बहुत वेरी वीक बेस है जो OH माइनस ऑलमोस्ट ना के बराबर दे रहा है, तो वो भी इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, राइट। तो मान लेते हैं कि AgCl है, तो T=T इक्विलिब्रियम पे इसका कितना अमाउंट है उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट है, मान लेते हैं कि आपको समझाने के लिए सर यहाँ पे ए ले लेते हैं, मोल वाइज ही समझा रहा हूँ, किसके भाई मोल मान लेते हैं, यहाँ से एक्स चला गया तो यहाँ पे कितना मोल बना इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, राइट, बट इसका एक्टिविटी कितना रहेगा भाई, सॉलिड है ना, इसका एक्टिविटी कितना लेंगे 1 मानेंगे, यहाँ तक तो बातें समझ में आ गया है, बट इसका कॉन्सेंट्रेशन Ag प्लस का इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एक्स वाई भी मोल मान लिया है ना, क्या माने थे मोल माने थे, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखेंगे, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम उसे डिवाइड करना पड़ेगा,
और सी एल माइनस का भी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एक्स बाई वी। तो पार्शियल इन पार्शियल सॉलेबल सॉल्ट का इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है उसी को हम लोग पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट। क्या पढ़ते हैं एवरीवन? सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट, करेक्ट है ना? तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट का मतलब ये हुआ, यहाँ देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे मेरे पास 2 लीटर वाटर है, इसमें मैंने 10 मोल AgCl डाला, कितना? इस 10 मोल में से 9.8 मोल जाके बैठ गया बॉटम में और सिर्फ 0.2 मोल सॉल्यूशन में रहा, करेक्ट? इसका मतलब AgCl 100% नहीं बैठा है। और जो भी सॉल्ट या सॉलिड अगर सॉल्वेंट में सॉलेबल है और अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो आयन में ब्रेक होकर सॉलेबल रहेगा। बोलते तो मैंने क्या बोला? अगर AgCl वाटर में सॉलेबल है तो AgCl बनकर वाटर में रहेगा या टूटकर रहेगा? टूट के रहेगा, करेक्ट? तो इसका मतलब है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल ऑफ AgCl, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल ऑफ AgCl डिजॉल्व या सॉलेबल इन वाटर पर लीटर? तो 0.2 बाई 2 लीटर, 0.1 हुआ ना, यहाँ का नहीं बोल रहा हूँ, उसी का बोल रहा हूँ, राइट? तो 0.1 जो है वही AgCl का सॉलिबिलिटी कहलाएगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ पार्शियल सॉलेबल सॉल्ट? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट पर लीटर, पर जो डिजॉल्व रहेगा वो किस में ब्रेक होकर रहेगा? आयन से ब्रेक होकर रहेगा, करेक्ट? यहाँ पे ज़्यादा लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक ही पढ़ना है, आप लोगों को तो पता ही होगा ना, नहीं पढ़े कभी, इतना तो पता है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कुछ होता है, तभी मैं सॉल्युबिलिटी का बात कर रहा हूँ, नॉट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, करेक्ट? सो ये समझ में आ गया कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी? एक ऑलमोस्ट कितना तारीख आज है? 16, तो 15 दिन और मान लीजिए, हालांकि 28 तारीख है इसमें फरवरी में, बट मोटा मोटी मार्च अप्रैल मई जून और 15 इधर मान लीजिए बी पॉजिटिव, राइट? तो 4.5 मंथ बहुत टाइम होता है भाई, बढ़िया से सब कुछ पढ़ लेंगे तो तैयारी हो जाएगा। और आप लोग धीरे धीरे तो इम्प्रूव ही किए हैं, धीरे धीरे ऑल ऑफ सडन कोई भी पेपर दे देता हूँ उसमें से कुछ ना कुछ तो मार्क्स ला रहे हैं, 0 तो आ नहीं रहा है, राइट? तो ऐसे करके टेस्ट देना और भी अच्छा हो रहा है, और लेकिन टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए बढ़ चढ़ कर। बाकी अभी सारे दुनिया इधर उधर का पार्टी पॉलिटिक्स से अपने आप को कट ऑफ कर लीजिए, होता ना इधर इस कोचिंग में क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें पजल हो जाएगा आपका। जहाँ पे हैं बहुत अच्छे जगह पे हैं, सिस्टम पर ट्रस्ट करके आगे बढ़िए, रिजल्ट हो जाएगा। बाकी जगह क्या हो रहा है उसमें इंटरेस्ट बहुत कम है, लेकिन फिर भी उन लोगों से आप बहुत आगे निकल चुके हैं, एटलीस्ट मैं अपना सब्जेक्ट में तो श्योर हूँ, जितना सिस्टमेटिक वे में। अब उसमें मेहनत करना पड़ेगा मेरे चीज़ों मेरे बातों को समझने के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक भी बहुत एक लेवल का पढ़ाता हूँ, ऑर्गेनिक का जो भी डीलिंग होता है, बहुत 0 लेवल्स पढ़ाते हैं लेकिन एक लेवल का लेके जाते हैं, ताकि क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि हाँ एम्स का भी क्वेश्चन कुछ नहीं है, पर उसमें बहुत ही डेडिकेशन का रिक्वायरमेंट है। इतना कम टाइम में इतना क्लासेस नहीं लगता तो होता भी नहीं, वेरी फ्रेंकली। कुछ ना कुछ तो कॉपरेट करना पड़ेगा, 2 साल के सिलेबस को लेके चलना है तो कैसे, हाउ कैन वी फिनिश द सिलेबस, और वो भी समझाते हुए पढ़ाते हुए, राइट? हाँ टेस्ट का सिलेबस बता दिए, आप टेस्ट मेरे ऊपर छोड़ दीजिए स्टूडेंट, 10 दिन का टाइम दिए थे ना, 4 दिन तो बीत ही गया होगा, तो देखते हैं।
टेन डेज तक के बाद ही लूँगा, टेन डेज के अंदर आप अपने आप को रेडी कर लीजिए। अब थोड़ा लकी रहेंगे तो 12वां दिन होगा, 15 डेज के बाद भी हो सकता है, लेकिन 10 डेज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर 10 डेज पे फ्रीक्वेंट लेते रहें, मंथ में 3 टेस्ट, राइट। बाद में मंथ में अभी 3 चल रहा है, हालांकि जो चैप्टर वाइज तो टेस्ट चल ही रहा है ना, जैसे आज मैं बायो का जाके बैठ के रेडी करवाऊँगा, बायो का बहुत दिन से रुक गया है टेस्ट तो, और बाद में जब फुल टेस्ट बहुत सारा ले लूँगा, लेकिन अभी फुल टेस्ट का तो टाइम है नहीं। एक्चुअली मैं फुल टेस्ट अप्रैल से स्टार्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऑल डिपेंड्स ऑन सिलेबस, एक बार ऑर्गेनिक का रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो मेरा बहुत प्रेशर रिलीज हो जाएगा, और ऑर्गेनिक का रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले बहुत बड़ा टॉपिक बचा हुआ आइसोमेरिज्म, बट आइसोमेरिज्म का 50% कवर कर चुका हूँ, स्ट्रक्चरल पार्ट, अब सिर्फ कौन सा पार्ट है, टॉटोमेरिज्म एंड स्टीरियो पार्ट, ठीक है। अच्छा अभी यहाँ समझ लेते हैं, बाद में टेस्ट का टाइम डेट देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट, Ag प्लस इंटू व्हाट, Cl माइनस। बट ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो पार्शियल सॉल्युबल सॉल्ट का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका नाम बोला जाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो आज सॉल्युबिलिटी दो अलग है, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, अलग है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ व्हाट, पार्शियल सॉल्युबल सॉलिड या सॉल्ट। तो इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी, क्योंकि जनरली ऐसा दिखाई पड़ता है ना, एस इंटू एस, एस स्क्वायर, करेक्ट। इसी को हम लोग क्या पढ़ देते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। लेकिन एक्चुअली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है बोलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका, एसिड का, बेस का या सॉल्ट का, सॉल्ट का या पार्शियल सॉल्युबल सॉल्ट का, पार्शियल सॉल्युबल। और सॉल्युबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर सॉल्वेंट पर लीटर, इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो दोनों का अलग अलग चीज़ है, सॉल्युबिलिटी अलग है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अलग है। बस इतना से मेरा क्वेश्चन नंबर 4 लगेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। बट मैं फिर से रिमाइंडर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 नीट में आने का चांस कम रहेगा, वो नीट लेवल से ऊपर है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे Ag प्लस का सोर्स कौन है, CrO4, करेक्ट। Ag कन्वर्ट इनटू Ag प्लस, प्लस इलेक्ट्रॉन, एक कौन सा रिएक्शन लिख दिए, और RHR, Ag प्लस कन्वर्ट इनटू ई और ए, तो कैंसिल हो जाएगा, सॉलिड है, ई और ए भी कैंसिल हो जाएगा, ए जी प्लस कन्वर्टेड टू व्हाट, ए जी प्लस, करेक्ट। तो एक किसका कॉन्सेंट्रेशन, कैथोड का, एक किसका, एनोड का। E सेल इक्वल टू E नोट सेल माइनस
0.05 91/1 log Ag plus y, Ag plus एनोड by कैथोड। एक टर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ई सेल दिया हुआ है ना, नहीं तो उल्टा करेंगे तो क्या पॉजिटिव हो जाएगा राइट और उसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कीजिए तो एक बार डिवाइड करने के बाद कितना वैल्यू आया है, नहीं वन से बढ़ाएगा, कितना 12.7 और आगे डिजिट तक जाइए, सही से कैलकुलेशन कीजिएगा 2.7 ठीक है ना, हो गया और भी आगे तक मिलेगा, अरे इतना से भी काम चल जाएगा। यहाँ देखिए स्टूडेंट, लॉग एजी प्लस कैथोड 2.77 है, सेवन सेवन आगे क्या कुछ और भी है, ठीक है ना स्टूडेंट, इसमें आपको ए वैल्यू पता है, ए निकालना है, क्यों निकालना है बाद में देखेंगे, एंटी लॉग दोनों तरफ लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा एजी प्लस कैथोड एंड एजी प्लस एनोड इक्वल टू एंटी लॉग, आप लोगों को किसी को एंटी लॉग टेबल देखने आता है, इसका देखकर वैल्यू बताइए, अरे एंटी लॉग टेबल है तो है, एंटी लॉग टेबल देखो बताइए तो, आप सिर्फ एंटी लॉक के टेबल में जाइए 0.77 में और आप लोग कैच कीजिएगा मैं कैसे एंटी लॉक देखता हूँ शॉर्टकट में, 0.77 में गए उसका फोर में जाइए, कितना आया वैल्यू, कितना है 5943 पॉइंट से पहले कितना है वैल्यू, यहाँ पे देखिए तो दिखाई पड़ रहा है 0.77 का फोर में गया तो वैल्यू कितना आया 5943 पॉइंट से पहले
वैल्यू जीरो, वैल्यू क्या बोल रहा हूँ, जीरो बोल रहे हैं। बोलिए इसके बाद क्या करते हैं, उसमें वन ऐड करते हैं, क्या करते हैं, वन ऐड करते हैं, करेक्ट है ना। और यहाँ से वन डिजिट जाकर यहाँ पे पॉइंट बैठाते हैं, यहाँ पे पॉइंट से पहले जितना वैल्यू है जीरो उसमें वन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और जितना ऐड उनको वैल्यू मिलेगा उतना डिजिट लेफ्ट से राइट जाकर दशमलव देंगे पॉइंट, राइट। और ए टू के बदले शॉर्टकट में 10^2 लिख देते हैं, बाद में सिखाएंगे लॉक कैसे देखते हैं, बहुत बढ़िया से 45 मिनट में पूरा क्लियर हो जाएगा, लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा लॉक टेबल देखना। तो ए वैल्यू हो जाएगा 5.943 इंटू 10^2 कितना, 2। अब देखिए स्टूडेंट, क्या यहाँ से एक ही अननोन है ना, ए निकाल लेंगे, तो यहाँ से ए जी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नोड निकल जाएगा, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, करेक्ट। अब यहाँ तक मेरा 80% काम हो गया, मतलब एक क्वेश्चन डिजर्व करता है एडवांस का ऑब्जेक्टिव, ठीक है बेटे, क्लास में सीख लीजिए, कुछ ज़्यादा सीखेगा तो कोई हानि तो करेगा नहीं। ए एनोड का निकल गया, बट मेरा काम तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का था, क्वेश्चन में क्या था, तो अब इसका लिखेंगे, और यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन पता चल गया, यही था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, एनोड, एंड विच वन इज द सोर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड, दिस वन Ag2CrO4, करेक्ट है। यहाँ देखिए इसका वन मोल से इसका कितना मिलेगा, करेक्ट। तो मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं इसका वैल्यू अगर बाई मिला है तो नहीं, तो ये बाई बाई टू रहेगा, अगर ये बाई रहेगा तो हाँ है ना, इसका हाफ आधा मिलेगा, ये वैल्यू तो हम लोग को मिल चुका है, करेक्ट। तो इसका के एस पी इक्वल टू, ये तो सॉलिड है ना, इसका वन ले लेंगे, क्या लिख सकते हैं, ए जी प्लस का स्क्वायर इंटू सी आर ओ फोर 2 - 1 बाई स्क्वायर कर दें, अब बाई स्क्वायर बाई बाई टू कितना हो जाएगा भाई, बाई की वाई, यही मेरा फाइनल आंसर रहेगा, हाँ टू, जस्ट बाई डूइंग दिस इजी कैलकुलेशन यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ केएसपी। तो आप लोग को ए बाई बाई टू, बाई बाई टू मैंने क्यों लिखा वो समझ में आया, अगर इसका वन वन मोल इसका दो मोल देगा तो अगर यहां से बाई मिलेगा तो इसका बाई बाई टू मिलेगा, करेक्ट, इसलिए मैंने ऐसे लिखा, और बाई तो निकल गया है ना यहां से, दिस इज बाई राइट। अब यहाँ देखिए इसके बदले यहाँ पे ए लिखेंगे तो बाई स्क्वायर, इसके बदले कितना बाई बाई टू, तो कितना हो जाएगा बाई क्यू बाई टू, तो एक क्वेश्चन भी जबरदस्त कॉम्बिनेशन था, किसका, आयनिक का और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो दिस इज द वे ऑफ आस्किंग द प्रॉब्लम इन आईआईटी। हाँ मतलब यही तरीका है, मतलब वहाँ पे पूरा सब कुछ पढ़ के बैठिए, चीज़ें टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा हर एंगल से कैलकुलेशन वाइज भी आपको नहीं घबराना है ना, ऐसा ही थोड़ा कैलकुलेशन आ गया लॉग एंटी लॉग आ गया, अब वहाँ पे सोच रहे हैं कैसे होगा,
और एग्जाम में तो अगर लॉग टेबल नहीं दिया रहेगा तो ये सब डेटा रन रेडीमेड निकाल के दिया हुआ रहेगा, जो बीच में मिलेगा आपको वैसा क्वेश्चन सेट करके दिया रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में कोई थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, एक्सरसाइज 6 का बचा हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, एक्सरसाइज 5 सॉल्व करूंगा और एक्सरसाइज 4 सॉल्व, कहाँ तक, हाँ 3 से लेकर 6 तक हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, ठीक है।